हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड टॉपिक एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन। इससे रिलेटेड जितने भी एसएससी जेई के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे हमेशा की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट आर पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, साइक्लिक फंक्शन या फिर रियल फंक्शन। तो यहाँ पे बात आई है पाथ फंक्शन या पॉइंट फंक्शन की, तो मैं दोनों समझा देता हूँ। पॉइंट फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसकी स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ना कि पाथ पे। तो यानी कि कोई सिस्टम किस पाथ से ट्रेवल कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। और पाथ फंक्शन जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके पाथ पर, यानी कि डिफरेंट टाइप के पाथ होंगे तो उसका जो फंक्शन होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कौन से पाथ फंक्शन हैं और कौन से पॉइंट फंक्शन हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि ये प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब होते हैं पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ दो ही जो है आपकी स्टेट जो सिर्फ पाथ फंक्शन है, एक हीट और एक वर्क, ये दोनों पाथ फंक्शन हैं। कई कभी भी आपको एग्ज़ाम में पूछ ले कि पाथ फंक्शन कौन से हैं, तो हीट एंड वर्क हैं। और जो पॉइंट फंक्शन होते हैं उनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो एग्जैक्ट होता है, और जो पाथ फंक्शन होते हैं यानी कि हीट एंड वर्क का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पार्शियली होता है। तभी हम डेल क्यू लिख देते हैं, यानी कि हीट जो होती है इसको हम डी क्यू नहीं लिख के डेल क्यू लिखते हैं, और वर्क को भी डेल डब्ल्यू लिखते हैं। लेकिन जैसे मान लो प्रेशर होगा तो डेल्टा पी लिखेंगे हम, यानी कि ये जो है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, या फिर हम ऐसे लिखेंगे डी पी। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है और ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, यानी कि पाथ फंक्शन का इन एग्जैक्ट होता है और पॉइंट फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेट डिपेंड ऑन। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि हीट और वर्क और इंटरनल एनर्जी में ये रिलेशन फर्स्ट लॉ के हिसाब से आता है। तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में पूछा गया है, तो एडियाबेटिक एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र जो है वो ज़ीरो होता है, वहाँ पे सिर्फ वर्क ट्रांसफ़र होता है। तो हीट ट्रांसफ़र यदि ज़ीरो हो जाएगा तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी यू, यानी कि जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से है, और इंटरनल एनर्जी जो है आपका सिर्फ और सिर्फ, इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन। तो ये सिर्फ एंड स्टेट पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, एंट्रोपी रिमेन कॉन्स्टेंट, एंथैल्पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या फिर सम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रिलेशन जो होता है पी वी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जो ये इंडेक्स है ये गामा है, एडियाबेटिक इंडेक्स बोलते हैं। और यदि मैं बात करूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स जो आता है एन आता है, पी वी की पावर एन बराबर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हीट ट्रांसफर जीरो होता है, सिर्फ वर्क ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर भी होता है और वर्क ट्रांसफर भी होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सम हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस, यानी कि पॉलीट्रॉपिक में हीट ट्रांसफ़र होता है और वर्क ट्रांसफ़र भी होता है। यदि आपको वर्क ट्रांसफ़र का फॉर्मूला पूछ ले पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, तो क्या हो जाएगा, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन। एन यहाँ पे क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। और सिमिलरली यदि आपको एडियाबेटिक के लिए पूछ ले तो एन की जगह आपको करना है गामा, जो कि एडियाबेटिक इंडेक्स होता है, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन वहाँ पे एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर जीरो होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज इन एंथैल्पी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या फिर इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो एंथैल्पी है वो हीट ट्रांसफर के इक्वल कब होगी, कौन सा प्रोसेस होगा जब हीट ट्रांसफर जो है वो आपके इक्वल हो जाएगी। अब आपको पता है डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब डेल डब्ल्यू जो वर्क डन होता है, वर्क डन को हम पी डी वी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन जो होता है आपका पी डी वी होता है। अब यदि मैं प्रेशर प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर ले लूँ, यानी कि हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी यू प्लस
ये जो पी है, फिर यदि कॉन्स्टेंट प्रेशर हो जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पी पी वी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये तो कॉन्स्टेंट बाहर भी लिख सकते हैं, इसको अंदर भी लिख सकते हैं, तो ये डी यू प्लस डी पी वी, तो मैं डी बाहर लिख देता हूँ और यू प्लस पी वी लिख देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख देता हूँ। तो ये यू प्लस पी वी क्या होता है, ये एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी मैंने आपको कई बार बताया है कि एंथैल्पी इज़ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, और ये समेशन होता है इंटरनल एनर्जी और पी वी का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी एच, यानी कि डी क्यू इजकस टू डी एच आ जाएगा, डी क्यू इजकस टू डी एच आ जाएगा। ये कब आया, जब मैंने प्रेशर को कॉन्स्टेंट किया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीट एंड वर्क आर, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, ये दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट फंक्शन जो होते हैं वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हीट एंड वर्क जो है ये प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। द वर्क डन इन ए इन दी एक्सपांसन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा। तो यदि मैं बात करूँ वर्क डन की, तो क्या होता है आपका पी डी वी होता है, तो वी वन से वी टू तक मैं यदि इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, तो पी तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और वी डी वी क्या हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन, तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका आंसर एक ही होगा, या तो हीट या फिर वर्क, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हीट जो है ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटी इज, तो पाथ फंक्शन कौन सी है, वर्क डन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी चेंज नहीं होती है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है। व्हेन फ्लो थ्रू रेस्ट्रिक्टेड पासेज, यानी कि नेरो पासेज से कोई फ्लो होता है, तो उसे हम बोलते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है वो आइसो एंथेल्पिक प्रोसेस होता है, आइसो एंथेल्पिक यानी कि वहाँ पर एंथेल्पी कॉन्स्टेंट रहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको पूछ ले प्रेशर, प्रेशर जो होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस में डिक्रीज होता है, और वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है, हीट ट्रांसफर भी जीरो होता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है, यानी कि प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन ए थ्रोटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, देखिए आपको ये नोट करना है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2012 का है, और ये क्वेश्चन जो है अभी ये 2013 का है, सेम क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं एसएससी में, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एंथैल्पी। फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी या फिर एंथैल्पी, तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस किसका पूछा गया है, हीट का और वर्क का, ये क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा, जो कि इंटरनल एनर्जी है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी इज कंसिडर्ड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, सबसे पहले आपको समझना होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन बाय द सिस्टम विच इज बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, यानी कि जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखेंगे, उस टाइम जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क होगा उसे हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो मैंने अभी आपको बताया है कि टेम्परेचर और प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल, और प्रेशर जब कॉन्स्टेंट रखेंगे उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक। द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन इन ए क्लोज सिस्टम इंक्रीजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ एन, द एन इंडेक्स एन ऑफ कंप्रेशन, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो वर्क रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, तो यदि n की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो वर्क क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ये आपको पूछा गया है। तो यदि मैं बात करूं पी वी डायग्राम की, तो मान लो आपका पहले वॉल्यूम V1 था और फिर V2 था,
क्योंकि वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि मैं बात करूँ कॉस्ट एंड प्रेशर की, यदि कॉस्ट एंड प्रेशर होगा तो एन की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि पी वी की पावर एन बराबर कॉस्ट एंड होता है। एन की वैल्यू यदि मैं ज़ीरो कर दूँ तो ये तो वन हो जाएगा, किसी की भी पावर जीरो होती है तो वरना वन हो जाता है, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यदि यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू आपके आ जाएगी ज़ीरो। फिर मैं बात करता हूँ एन की वैल्यू यदि वन हो जाएगी यानी पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल। तो एन की वैल्यू यदि वन हो जाएगी तो ये आपका प्रोसेस ऐसा हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के लिए, और फिर मैं बात करता हूँ गामा यानी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो पी वी डायग्राम का जो एरिया होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि मैंने पहले n की वैल्यू ज़ीरो रखी तो इतना सा एरिया आया ये नीचे का, और फिर जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही थी तो एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब वर्क डन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, n की वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी तो वर्क डन भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम द प्रोसेस लाइन पी वी की पावर n बराबर कॉन्स्टेंट विल कम क्लोजर टू वाई एक्सिस, कम क्लोजर टू एक्स एक्सिस, या कम क्लोजर टू 45 इंक्लाइन लाइन, या रिमेंस इन दी सेम पोजीशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एन की वैल्यू बढ़ती है तो ये किसकी तरफ जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया गया था कि कंप्रेशन प्रोसेस के लिए है, और यदि आपको कुछ नहीं दिया गया हो तो आपको कंप्रेशन के लिए नहीं लेना है। तो यदि मैं बात करूँ कॉन्स्टेंट प्रेशर की, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर ऐसा आ जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, और फिर एन की वैल्यू वन होगी तो ऐसा आ जाएगा एन बराबर वन। फिर एन की वैल्यू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के लिए आ जाएगी, मैं मान लो एन ही लिख देता हूँ, फिर गामा हो जाएगी, और यदि एन की वैल्यू इन्फाइनेट हो जाएगी तो ये प्रोसेस ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस इस तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यानी कि जो प्रोसेस है वो आपका वाई एक्सिस के क्लोज जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कम क्लोजर टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्क इज कंसिडर्ड टू बी ए सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू हीट एनर्जी बिकॉज। देखिए वर्क हमेशा जो है आपका वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वर्क कैन कम्प्लीटली कन्वर्टेड इंटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी फुल्ली कन्वर्टेड इंटू वर्क, क्योंकि जो वर्क होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी होते हैं और जो हीट होती है वो लो ग्रेड एनर्जी होती हैं। तो यदि आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वाइल वर्क कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इंटू हीट और हीट कैन नॉट बी फुल्ली कन्वर्टेड इंटू वर्क, क्योंकि हीट जो होती है आपकी लो ग्रेड एनर्जी होती है और वर्क जो होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन मेट्रिक सिस्टम द यूनिट ऑफ हीट इज गिवन एज CHU, BTU, किलो कैलोरी या फिर केल्विन। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक सिस्टम में हीट की यूनिट बताई है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियोस में करवाया था, यदि आपने वो वीडियो ढंग से देखे हैं तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।